रेकी में ग्रुप हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का ध्यान देते हैं, वो भी अपना ध्यान देते हैं। देखिए पहले जमाने में 40-50 साल पहले हम लोग बहुत कनेक्टेड होते थे, एक दूसरे से मदद लेते थे और मदद देते थे। अब हम अपने अपने में बंद होते जा रहे हैं, अपने बाहर ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता रोज पड़ोस में कौन रहता है, कोई जिंदा है कोई मर गया है, कितने ज़्यादा हम अनकॉन्शियस होते जा रहे हैं। और पहले हर किसी को हर किसी की लाइफ के बारे में पता था। और एक कम्युनिटी, एक कुछ भी होता था, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते थे। तो ये आपके ही काम आएगा अगर अभी से आपने कोर्स के लिए 15 दिन भी नहीं बचे हैं, आप लोगों से कनेक्ट हुई है। घर में मुसीबतें सबके आती हैं, कोई बीमारी हाली, जिन लोगों से आप कनेक्ट होंगे वो आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे, जिनका आप ध्यान रखेंगे वो आपका ध्यान रखेंगे, अपने घर परिवार रिश्तेदारों के बियॉन्ड। क्योंकि इस समय हमें ना फुर्सत नहीं है दूसरों की, और जब हमें मुसीबत आती है तब वो लोग याद आते हैं। तो उससे पहले अगर हम अच्छे रिलेशनशिप बना लेंगे, नए लोगों से कनेक्ट होंगे, तो वो भी हमारे लिए खड़े होंगे। एक दूसरे का साथ देना आपके काम आएगा। ये सब लोग, आप जब भी कोर्स भी खत्म हो जाए तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगी, आप टच में रहिए ग्रुप हीलिंग में। ये ग्रुप आपका बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ बन गया, पावर बन गया, ये आपकी आर्मी है, समझिए ये आर्मी है 30-32 लोगों की। अगर भगवान ना करे हमारा कोई मेंबर हॉस्पिटल में है, अगर ये 30-32 लोगों को आपने कॉल कर दिया ग्रुप हीलिंग दो, तो ऐसे वो निकाल देंगे आईसीयू से, बीमारियों से। आप देख ही चुके हो 2020 में बीमारियों ने कितना तंग करा है, तो अपने को भी तो बीमारी आ सकती है ना। तो आप लोग प्लीज कनेक्ट होइए, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है आपके लिए। मैं आपके लिए खड़ी हूँ, आपके लिए टाइम दे रही हूँ, आप अपने लिए खड़े होइए, एक दूसरे के लिए खड़े होइए। कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। आपने कहानी सुनी होगी ना, एक और एक 11 होते हैं, नहीं सुनी किसी ने कहानी सुनी है गट्ठर की? एक सुनी हुई है। क्या है का सुनाइए कहानी। ये कहानियां नहीं है, ये सच्चाई है। किसको आती है वो कहानी, सुनाइए। अपने पास 10 मिनट है, सुनाइए ताकि लोगों को पता चले कि एकता में कितनी बड़ी वो होती है। वृंदा जी आवाज नहीं आ रही। संगठन, संगठन की ताकत आपने देखी, आरएसएस की ताकत देखी है आपने, कि आरएसएस एक कितना बड़ा संगठन बन गया है वर्ल्ड वाइड। तो ये रेकी का संगठन बनेगा या नहीं वर्ल्ड वाइड, बताइए। बनेगा मैम, बनेगा। अपने संगठन को बड़ा मजबूत बनाना है, यानी आदर्श भारत संस्थान के साथ मिलकर अपना योगा रेकी इन सब हेल्थ के लिए ये संगठन को बड़ा बनाइए, आगे लोगों से शेयर करिए योगा के बारे में, हेल्थ के बारे में, उनकी हेल्थ का ध्यान दीजिए। तो अपने आप ही देखिए, जैसा हम देते हैं ना वैसा लौट के मिलता है अपने आप को। मैम हमें या चक्र का या फिर पूरे वो बॉडी पार्ट कल दिखाया उसका किसी में से एक का ही करना है ना एक दिन में? आपके पास समय है तो दोनों का कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आप रेकी 2 बार कर सकते हैं, दिन में 3 बार कर सकते हैं, जब भी समय मिले। खाली समय टीवी देखने के आगे कोरोना की और ये मर्डर और ये सब सुनने से तो अच्छा है आप हीलिंग करिए, रेकी के वीडियोस देखिए, जितना हीलिंग दूसरों की हीलिंग करिए। कुछ बात करूं मैम जी? हाँ, आप कल मेरा बेटा था ना जी, हाँ उसको देखा आपने यहाँ, तो हाँ। उसके लिए मैंने अफर्मेशन किया, मतलब जी। वो अपने इंटरेस्ट से पढ़ रहा है, उसको अभी इंटरेस्ट है स्टडी में, पर अभी तो बात ये है कि उसको अच्छा नहीं लगता है, वो लिखता बिल्कुल नहीं है। तो अभी अपन सिंबल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सिंबल्स, तो हाँ। सिंबल्स और डिस्टेंस हीलिंग भी आप दे सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। तो पूछिए कोई डाउट्स कुछ कल के सेशन। हेलो, अट्यूनमेंट का हिंदी का मतलब क्या होता है? शक्तिपात, शक्तिपात, शक्तिपात मैम।
जैसे हम लोग कोई मंत्र के साथ हीलिंग करते होते हैं ना, तो इसमें हम क्या अपने मन ही मन में मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं कि चुप ही रहना है? देखिए आप, वैसे तो हमारा दिमाग हर समय चलता ही रहता है ना, चैं चैं करता रहता है जी, तो हर समय ही हम बोलते रहते हैं। रेकी हमें रिलैक्स करता है, और आज हम सिंबल सीखेंगे तो हम क्यों 50 चीजें ऐड करें? मंत्र आप अलग से चैंटिंग करते हैं तो करिए, क्योंकि मन आपका शांति नहीं होगा। आप रेकी का काम है आपको रिलैक्स करना, और आप दिमाग चलाने बैठ गए तो फिर मंत्र की तरफ जाएगा एनर्जी, तो आप एनर्जी को ग्रहण कहाँ कर रहे हैं? जितना आप इनवर्ड्स जाएंगे बिल्कुल शांत, मेडिटेशन का मतलब है शांत और रिलैक्स। और आज हम सिंबल्स ऐड कर देंगे तो आपकी मर्जी है, मैं मनाही तो नहीं करूंगी, बट लेकिन चैंटिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। अच्छा, मंत्रा चैंटिंग जब आप एक चीज करो तो एक पे ही फोकस करो, 50 जो रेकी है उस समय रेकी पे ही फोकस करिए, कि हीलिंग पे और रेकी के सिंबल्स। चैंटिंग तो अलग से कर दीजिए, अलग से हो जाएगा। थैंक यू मैडम जी। मैम एक बात पूछनी थी मुझे, ये लोग बोलते हैं ना जैसे रेकी से अच्छा होता है, वैसे कोई कोई लोग रेकी से किसी का बुरा भी करते हैं, तो वो सब सही होता है? होता है ऐसा कोई किसी का भला कर सकता है? आप बताइए। रेकी तो एक पॉजिटिव एनर्जी है ना? मुझे पता नहीं, पर बोलते हैं कि किसी को वश में करने के लिए, या मतलब करते हैं सब लोग ऐसे। रेकी आपको जादू टोना लगता नहीं? अभी तक ऐसा क्या हमने सीखा है जिससे हम दूसरों का नुकसान कर रहे हैं? आप अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं, कुछ नहीं मतलब ऐसा बोलते हैं तो। देखिए इंटरनेट पे बहुत कुछ बोलते हैं, आप सारी बातों पे विश्वास कर लोगे तो हो गया दिमाग का।